हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 9 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर पाइसेस, सेवन ऑफ ग्राइल्स, फाइव ऑफ ग्राइल्स, एट ऑफ सेप्टर्स, द मून, द हैंग्ड मैन। ओके, सो हमारे पास है एट ऑफ सेप्टर्स। एट ऑफ सेप्टर्स क्या होने का मतलब है, आप एक नए रिलेशनशिप में हैं। हो सकता है कि ये रिलेशनशिप अभी बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, बट इंटेंस है। यानी अभी आपको इतना टाइम नहीं मिला है कि आप इस पर्सन को अच्छी तरीके से जानें। अगर आपको लगता है कि आप इस पर्सन को पूरी तरीके से जानते हैं, तो टैरो आपसे कह रहा है कि दोबारा सोचिए। ये रिलेशनशिप काफ़ी एक्साइटिंग हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक स्पार्क देख रही हूँ। सेवन ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है, तो ये रिलेशनशिप ऑफकोर्स कुछ ऐसा हो सकता है जो कि एडिक्टिव है। आप दोनों इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड महसूस कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें परफेक्ट लग रही हैं, आप इसे एंजॉय कर रहे हैं। डेफिनेटली एंजॉय कीजिए, उसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। बट अगर आप नेक्स्ट स्टेज पे जाने के बारे में सोच रहे हैं या कुछ ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं जिसके लिए रियल कमिटमेंट लगेगा या डेडिकेशन लगेगी, तो आपको कुछ समय रुकना चाहिए। बिकॉज मून का कार्ड है यहाँ पे, सो शायद आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो पर्सन आपसे कुछ चीज़ें छुपा भी रहा है। ये पर्सन शायद इस वक्त लव ऑफर करने की सिचुएशन में ही नहीं है। मतलब आपकी कंपनी इन्हें बहुत अच्छी लगती है, आपसे प्यार पाना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, इन्हें आपको प्यार देना भी अच्छा लगता है। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन प्रिपेयर्ड नहीं है पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप के लिए, एंड इसी के बारे में द मून आपसे कह रहा है। आप एक ऐसे रिलेशनशिप में है जो परफेक्ट नज़र आ रहा है, बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है या सब कुछ परफेक्ट है। बट देन एट द सेम टाइम टैरो आपसे कह रहा है कि दिमाग से काम लेना बहुत ज़रूरी होगा। द हैंग्ड मैन आपको गाइड कर रहा है, अपने इंट्यूशन को सुनिए, अपने दिमाग की बात को सुनिए इस वक्त, क्योंकि हो सकता है आप किसी जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला लें जिसको बाद में आप रिग्रेट करें, या शायद आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी किसी बात को रिग्रेट कर रहे हैं। क्योंकि फाइव ऑफ ग्रेल्स का कार्ड देख रही हूँ मैं, तो हो सकता है कि आपने इस पर्सन को कोई कमिटमेंट दिया हो या अपना अनकंडीशनल लव शो किया हो, और अब आपको लग रहा है कि ये पर्सन उसके काबिल नहीं है, या प्रोबेबली आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप इस पर्सन को ऑफर कर रहे हैं वो आपको वापस नहीं मिल रहा रिस्पॉन्स में। अगर ऐसी सिचुएशन है तो चलो आपसे कह रहा है कि कुछ वक्त इस रिलेशनशिप को वॉच कीजिए। ओके, इस पर्सन को सुनिए और देखिए कि ये क्या आपसे कह रहे हैं। उनकी बातों में बहुत सारे मैसेजेस हो सकते हैं, हालांकि ये पर्सन डायरेक्टली कुछ भी नहीं कहेगा। ये पर्सन लगता है जैसे कि पास्ट के बहुत सारे पेन या अपने रिलेशनशिप बैगेज को कैरी कर रहा है। यहाँ कोई एक्स हो सकता है जो आप दोनों के बीच इन्वॉल्व हो, नॉट लाइक ही आपका पर्सन इस एक्स में अभी भी इंटरेस्टेड है और वापस जाना चाहता है। बट जो भी उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी वो इस रिलेशनशिप पे भी असर डाल रही है। ये पर्सन डिफीटेड महसूस कर रहा है, उन्हें लग रहा है कि वो प्यार के काबिल नहीं है। ये पर्सन पुरानी चीज़ों को लेकर इसलिए भी फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है इनके मन में जो ये कहना चाहते थे बट ये कह नहीं पाए अपने एक्स से। किसी तरीके का फ्रस्ट्रेशन, ओके, और ये पर्सन कंप्लेन्स नहीं कर पाया, और जैसे लगता है ये जो कोई भी था इनके पास्ट में इन्हें ये कहकर इनके लाइफ से गया कि ये उन्हें डिजर्व भी नहीं करते। और आपका पर्सन अब लैक ऑफ सेल्फ वर्थ महसूस कर रहा है, वो किसी तरीके से भी कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर रहे हैं। ऑल्सो अगर इनके
एक्स के बारे में नहीं है ये, मान लीजिए कि ये किसी पास्ट रिलेशनशिप में नहीं रहे रिसेंटली, या ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है आपके रिलेशनशिप में, तो ये पास्ट के ट्रॉमा के बारे में हो सकता है। ये पर्सन हमेशा ही इग्नोर्ड महसूस करता आया, दूसरे लोगों से इन्हें कभी वो अटेंशन और प्यार नहीं मिला जिसकी इन्हें उम्मीद थी, और वो चीज़ अब इनके दिमाग में घर कर गई है। इन्हें लगता है कि ये कभी भी किसी के क्लोज नहीं आ पाएंगे, कोई भी इन्हें वैसे प्यार नहीं करेगा जैसे कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो ये पर्सन प्यार ऑफर करने से भी डरता है। ओके, इन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में भाइसेस भी उन्हें अकेला छोड़ के चले जाएं। इस पर्सन के इमोशंस बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत सारे मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं इन्हें। आपको देखना पड़ेगा कि आप इस तरह के पर्सन के साथ कितने दिन तक अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां पे आप ओके हैं इस चीज के साथ कि ये पर्सन इस प्रोसेस में हील कर रहा है, इनके मूड स्विंग्स भी हैं, कभी ये कुछ कहते हैं कभी कुछ और अगर इन सब चीज़ों से आप डील कर सकते हैं तो ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक है। बट अगर आप इन चीज़ों से डील नहीं कर सकते तो आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, एंड मे बी बाद में आपको लगेगा कि पता नहीं आपने एक ऐसे पर्सन को ट्रस्ट क्यों किया जो कि इमोशनली मैच्योर नहीं है, और एंड में आपको यही लग सकता है कि आप शायद सही पर्सन के साथ नहीं हैं। तो सेवन ऑफ रेल्स का कार्ड आपसे ये कह रहा है कि कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, इस वक्त आपको अपने थॉट्स को क्लियर रखना पड़ेगा, बिकॉज़ ये जो प्यार है वो मैजिक की तरह फील हो सकता है। आपको लगेगा कि आप पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई फोर्स जैसे आपको इनकी तरफ खींच रहा है, तो उस केस में आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसी फीलिंग है तो अपने माइंड को यूज़ कीजिए इससे पहले कि आप कोई भी इम्पोर्टेंट फैसला लें। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसेजेस फॉर पाइसेस, नाइन ऑफ सेप्टर्स, क्वीन ऑफ सेप्टर्स, थ्री ऑफ नाइव्स, फोर ऑफ ग्रेल्स एंड द हेरोफेंट। तो थ्री ऑफ नाइव्स का कार्ड आपसे कह रहा है कि आप शायद एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड नहीं फील कर रहे हैं। फोर ऑफ ग्रेल्स शो करता है ऐसे पर्सन को जो शायद आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। आप क्वीन ऑफ सेप्टर्स हैं और आपकी तरफ ये अट्रैक्शन फील करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये पर्सन जो भी अट्रैक्शन फील कर रहा है। द हायरोफेंट आपसे कह रहा है कि मन की बात को सुनिए, सोल की बात को सुनिए, अदरवाइज आप अपना रास्ता खो देंगे। नाइन ऑफ सेप्टर्स आपसे कह रहा है कि इस वक्त आपके लिए आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस। डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। तो जो भी हो रहा है वो आपकी सोल की मर्जी से ही हो रहा है, आपके हर सेल्फ की मर्जी से ही हो रहा है। आपके अंदर डिवाइन है जो जानता है कि आपके लिए सही क्या है, तो ट्रस्ट रखिए इस प्रोसेस पे। हैप्पीनेस आपका पर्पस है जो आपको जरूर मिलेगी। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।